उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा आज पत्रकारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया, जहां कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर अपना पत्रकारिता धर्म निभाने वाले पत्रकारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी पत्रकार साथी स्वस्थ पाए गए। शिविर में संभागायुक्त सहित कलेक्टर भी शामिल हुए और पत्रकारों की हौसला अफजाई भी की। पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। भारत में भी पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है। ऐसे में पत्रकार अपना पत्रकारिता धर्म बिना किसी झिझक के अपनी जान हथेली पर रख कर निभा रहे हैं और लगातार कंटेनमेंट इलाकों में भी जाकर लगातार शहर की आम जनता तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी पत्रकार स्वस्थ पाए गए। सुबह से ही पत्रकार अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने संताली स्थित प्रेस क्लब पर पहुँच रहे थे। यहाँ पत्रकारों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर और भाग आयुक्त भी शिविर में पहुंचे और पत्रकारों की हौसला अफजाई की। देखिए बहुत मैं आपको साफ बता दूं, कोविड-19 का दौर चल रहा है। इस दौर में सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि पत्रकार फील्ड में हैं और उनके लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रेस क्लब, प्रशासन, आपका सिविल अस्पताल, इन सबके एक संयुक्त प्रयासों से लगाया गया है। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि पत्रकारों की हम इसमें स्वास्थ्य जांच करें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें दवाइयां दें और ताकि वो अपना काम फील्ड में कर सकें, क्योंकि जितने भी कंटेनमेंट एरिया हैं, मैं समझता हूँ कई पत्रकार उसके अंदर जाके भी जहाँ वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस जांच शिविर में भाग लें। वो लोग आज जांच करा रहे हैं और उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। देखिए बहुत साफ शब्दों में आपको बताऊँगा मैं कि प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री से सीधी मांग की है कि इस कोविड-19 के दौर में जितने भी पत्रकार हैं उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर एक ज्ञापन उनको दिया जा चुका है, हमारे गृह मंत्री महोदय हैं उनको भी दिया जा चुका है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब सकारात्मक परिणाम आने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब को बधाई देता हूँ कि वो अपने और अपने जो समूह है, पूरे मेंबर्स हैं, उनके प्रति, उनकी हेल्थ के प्रति बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमसे बोला था। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने डॉक्टर्स की टीम भेजी है जो बेसिक स्क्रीनिंग कर रही है, थोड़ा बहुत जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रही है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और ऐसी ही जागरूकता अगर समाज के और शहर के सभी नागरिकों में हो जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। बाकी शासन प्रशासन की जो भी मदद लगेगी, चाहे PPE के फॉर्म में हो या दूसरे इस प्रकार के कैंप्स के फॉर्म में, हम लोग जरूर बताएंगे।